क्या आप लोगों ने जो नहा धो के पॉजिटिव स्टार्ट किया था उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? तो जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, जो एक पॉजिटिविटी और एक T इक्वल टू जीरो आप लोगों ने सेट किया था, क्या आप उसको खराब तो नहीं कर रहे? फिर से आप अपनी आदत को तो नहीं डाल रहे उसमें? 5 दिन का जो हमारे पास टारगेट आप सभी लोगों ने बनाया होगा कि मुझे वो चीज अचीव करनी है बेटा, उसमें से 2 दिन और अप्रोक्सीमेटली आपके खत्म हो चुके हैं। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि कहीं पर भी ढीला नहीं पड़ना है, वो 3 दिन अभी और बचे हैं। अगर आपके जो गोल्स थे उनमें अगर आपको लग रहा है अभी और इनपुट्स डालने हैं, लास्ट दिन का वेट नहीं करना है, उसको आज और कल में ही खत्म करने का टारगेट बनाओ जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। यही होता है तरीका जब आप अपने आप को पुश कर रहे होते हैं। डेडलाइन से पहले ही आप मान लें कि भैया 5वें दिन नहीं खत्म करना, हमें 4थे दिन खत्म करना है। अगर आप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव करते हुए जाएंगे, आप सबसे पहली बात उसमें बंद जाएंगे, उस रूटीन को फॉलो करने के लिए बंद जाएंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आएंगे और आप एक रूटीन को फॉलो करते करते पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे। क्लियर बेटा? आप सभी लोगों ने 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आज और कल का टारगेट जो है आप लोगों का, आपको चाहे कुछ भी हो जाए अचीव करना है। ये 5-5 डेज का टारगेट आप बनाइए और उसको अच्छे से अचीव करने की कोशिश करिए। तो आपको लेक्चर्स जो मिलेंगे शिद्दत से करना है, अपने प्लान को फिक्स करना है, स्लीपिंग पैटर्न फिक्स करना है, खाना पीना सर्दी और ये सारी चीजें फिक्स करनी है और 1.5 महीने की तपस्या करनी है भाई। 1.5 महीने की आप सभी लोगों को तपस्या करनी है भाई। अगर आपके दोस्त हैं उनको साफ बोल देना भाई अब सीधे एग्जाम के बाद बात करेंगे, बीच बीच में आप कर लेना, मिल लेना, घूमने निकल जाना जब ज्यादा क्लटर्ड हो जाए माइंड, लेकिन अपने आपको ये भी मान के रखना कि भाई अब ना 1.5 महीना आपको देना है। अब जिनका बैकलॉग है 15 तारीख तक आप बैकलॉग कवर करें, जिनका बैकलॉग नहीं है वो आपसे एक कदम आगे हैं, वो रिवीजन करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर आपका ये बैकलॉग की कहानी दिसंबर में भी खत्म नहीं हुई तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि आप 15 दिन का जो 11th में है वो कम से कम 4-5 चैप्टर्स होंगे, वो आप पीछे हो जाओगे। तो प्लीज आप सारे लोग अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करें। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हर 5 दिन में 1 घंटा एक्सीड करें उसको। 5-5 दिन के टारगेट्स बनाएं और उनको अचीव करें। टेस्ट को अपना टारगेट बनाएं कि भैया इस टेस्ट तक मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने ही है। कई बार ये होता है कि टेस्ट में कुछ टॉपिक आ रहा है, आपको लगता है यार ये तो मेरे प्लान में नहीं था, आप अपने प्लान को छोड़ के टेस्ट के प्लान को फॉलो करें। लिटरली बता रहा हूँ, वहां से फायदा मिलेगा। ये नहीं कि सर टेस्ट छोड़ देंगे, पहले हम लोगों का अपना प्लान है ना, टेस्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी, क्योंकि उसी के चक्कर में आप पढ़ पाओगे, अपना प्लान में आप ढीले पड़ जाते हो। दो बच्चे अभी अच्छी स्टेट में है समझने के लिए टारगेट, मैं आपको अभी हिंट कर देता हूँ जो मैं देने वाला हूँ। टारगेट आप ये रखिए 15th दिसंबर तक। तो मैं कह रहा हूँ